बड़ा गांव में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में 23 विभागों की बैठक सुनिश्चित की गई थी, लेकिन इस बैठक में केवल 17 विभाग ही मौजूद रहे, जिसको देखकर जोशीमठ विकास खंड अधिकारी ने निर्देश दिया कि जो इस विभाग बैठक में शामिल नहीं हुए वो विभाग अगली बैठक में जरूर शामिल रहे। बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारी ने नए कार्यों की समीक्षा की और कई नए कार्यों के बारे में भी चर्चा की। इस बैठक के दौरान सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि सभी विभाग अपने कार्य को समय पर पूरा करें। स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी समस्या खंड विकास अधिकारी के समक्ष रखी। ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी तक कई सारे कार्य जो है अधूरे पड़े हुए हैं, इसको लेकर कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर खंड विकास अधिकारी ने कई विभागों को निर्देश दिया कि जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उन विकास कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। द्वारा इसको सांसद आदर्श गांव घोषित कर दिया गया था, ग्राम पंचायत बड़गांव को। यहां पर जो हमारे 17-18 विभाग हैं जिनकी जो कार्य योजना में उपस्थित कार्य योजना जो दे दी गई थी, जो कार्य योजना बनाई गई थी, वो विभागों को विभाग आए हैं उनको 17 विभाग यहाँ पर आए हैं। प्रत्येक विभाग द्वारा समीक्षा की गई कि इस ग्राम पंचायत बड़ा गांव को आदर्श योजना के अंतर्गत आच्छादित करने के लिए आप क्या क्या काम करना चाहते हैं और गांव वाले क्या क्या काम कराना चाहते हैं, सभी उसमें आज पूरा प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया। और इसमें यह भी हुआ है कि प्रत्येक एक महीने में इसकी DPR बनेगी और इसकी हर महीने बैठक होगी, समीक्षा बैठक होगी। और मैं यहाँ पर तमाम ग्रामवासी आए थे और ग्राम इस आदर्श ग्राम योजना को स्वीकृत होने में मैं माननीय सांसद तीरथ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार।